हेलो मेरे फैमिली, कैसे आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ कि बहुत ही अच्छा। तो आपका भाई फिर से एकदम धमाका लेकर आ चुका है, एकदम खतरनाक तरीके से एडिटिंग लेकर आ चुका है। तो आप लोग अगर चैनल पर नए हो जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। देखना हमने इस वाले फोटो एकदम बिल्कुल बवाल तरीके से हेयर एडिटिंग किया, पर बैकग्राउंड चेंज करके एकदम सी एडिटिंग बहुत ही खतरनाक तरीके से। ऐसा एडिटिंग सिर्फ आप लोग मेरे ही चैनल पर मिलेगा। देखिए आप लोग इस वाला फोटो में हेयर देखिए कितना खतरनाक तरीके से है, और इस वाला फोटो में आप लोग हेयर देखिए किस तरीके से। आप लोग का नया ट्रेंड लेकर हेयर एडिटिंग सिर्फ आप लोग का मेरे ही चैनल पर मिलेगा, ठीक ना। तो देखिए हम लोग इस वाले फोटो को एकदम इस तरीके से खतरनाक एडिटिंग किया हमें। आप लोग खुद अपने आंख से देखिए कितने बवाल तरीके से टेक्सचर लगाया था। आप लोगों को सारा कुछ बताने वाला हूं कि मैं किस तरीके से इस वाला फोटो एकदम इस तरीके से खतरनाक एडिटिंग किया हूं, ठीक ना। तो चैनल पर नहीं हुआ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, आपका सपोर्ट है तभी मैं बता रहा हूं। अगर सपोर्ट नहीं रहता तो मैं आज नहीं बता पाता, ठीक ना। तो इसी सपोर्ट दिखाते रहिए, मैं आपको सारा कुछ बताऊंगा एकदम परफेक्ट तरीके से, ताकि आप लोग अच्छे से सीख एकदम हल्का मचा सकें, ठीक है। हम लोग इस वाला फोटो को सबसे पहले लेकर चलेंगे स्नैपचैट वाला एप्लीकेशन के अंदर। देखिए हम लोग इस वाला फोटो स्नैपचैट वाला एप्लीकेशन अंदर ले आने के बाद देखिए क्या करना। हम लोग आना ट्यून इमेज पर आने के बाद हल्का सा ब्राइटनेस इंक्रीज करेंगे, फिर कॉन्ट्रास्ट को हल्का सा इंक्रीज करेंगे, फिर सैचुरेशन को इंक्रीज करेंगे कुछ इस तरीके से, फिर एम्बियंस को हल्का सा इंक्रीज करेंगे, फिर हाईलाइट को हल्का सा कम करेंगे, शैडो को इंक्रीज करेंगे कुछ इस तरीके से। इतना देर बाद यहाँ से फोटो को डन करेंगे उसके बाद हम लोग कहाँ करेंगे, शेयर करेंगे लाइटरूम मोबाइल एप्लीकेशन अंदर। आप लोग एक एक चीज़ बहुत ही परफेक्टली तरीके से बताया कि आपका भाई मीठा फोटो डिजाइन है। बस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब, बस सपोर्ट दिखाते रहे, ऐसा एडिटिंग सिर्फ आप लोगों को मेरे ही चैनल पर मिलेगा, ठीक ना। तो जल्दी से लेकर चलते फोटो को लाइटर मोबाइल एप्लीकेशन के। अब देखिए इस वाले फोटो को लाइटर मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर ले आने के बाद क्या करना है, हम लोग आना कलर वाला पेन पर मिक्स वाला टूल पाएंगे, फिर रेड वाले का सैचुरेशन कुछ इस तरीके से कम करेंगे, ताकि देखिए सैचुरेशन और लुमिनेंस को जब सैचुरेशन को लुमिनेंस को इंक्रीज करेंगे तो वाइट टोन इंक्रीज होता है। तो आपको वैसे ही सारा कुछ परफेक्टली तरीके से बताएगा, ठीक है। आपका भाई मिस्टर फोटो डिजाइनर, फिर रेड वाले कलर के बगल में इसका सैचुरेशन कम करके लुमिनेंस को इंक्रीज करेंगे, देखिए कितना बवाल तरीके से हम लोग का फेस वाइट हो गया, ठीक है। बस बिल्कुल वैसे ही आपको भाई सारा कुछ बताएगा। फिर ब्लू वाला कलर पाना इसका सैचुरेशन हम लोग थोड़ा सा बढ़ा लेंगे, लुमिनेंस को इंक्रीज कर लेंगे कुछ इस तरीके से। इतना होने के बाद लाइट वाला ऑप्शन पाएंगे, हल्का सा कॉन्ट्रास्ट को इंक्रीज करेंगे, लाइट को हल्का सा कम, शैडो को इंक्रीज करेंगे, इफेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लियरिटी को इंक्रीज करेंगे, डिटेल्स मैंने शार्पनिंग को हल्का सा, फिर डिटेल्स को। इतना होने के बाद यहाँ से फोटो को हम लोग सेव कर लेंगे। अब यहाँ से हम लोग इस वाले फोटो को ऑटोडेस्क स्केचबुक एप्लीकेशन के अंदर लेके चलेंगे। अब देखिए ऑटोडेस्क स्केचबुक एप्लीकेशन के अंदर आ जाने के बाद यहाँ से हम लोग हाई डिटेल में एकदम स्मूथ करेंगे फुल HD प्लस HDR में। तो हम लोग ब्रश वाला टूल पाएंगे, ब्रश वाला टूल पाने के बाद आप लोग को स्मज वाले पाना है, स्मज वाले पाने के बाद देखिए आप लोग को ये वाला ब्रश लेना है। इस वाले ब्रश का सेटिंग देखिए कुछ इस तरीके से रहेगा, ठीक ना। तो यहाँ से हम लोग स्मूथ कर लेंगे तो बिल्कुल बवाल तरीके से, ठीक ना। देखिए यहाँ से हम लोग बिल्कुल खतरनाक तरीके से पहले स्मूथ कर लेंगे कुछ इस तरीके से। देखिए इस वाले ब्रश से लाइनिंग नहीं आएगा आपके फ़ोटो में, देखिए कुछ इस तरीके से हम लोग अपने फ़ोटो को स्मूथ करना है, ठीक है ना, बिल्कुल बवाल तरीके से, देखिए कुछ इस तरीके से स्मूथ करना है। आप लोग अपने फ़ोटो एकदम, अब देखिए यही ब्रश है, इसी वाला ब्रश से मैं स्मूथ कर रहा हूँ, ठीक ना। आप लोग जरूर से इस वाला ब्रश का यूज़ कीजिएगा, ठीक है, एकदम बवाल तरीके से स्मूथ होगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो बस कमेंट कीजिएगा, उस प्रॉब्लम को सोल्यूशन मैं दे दूँगा, ठीक। बस ऐसे ही आप लोग सब्सक्राइब करके बस सपोर्ट दिखाते रहे, सारा कुछ मैं आपको बताऊँगा, ठीक ना। आपके सपोर्ट की वजह से इतना बता पा रहा हूँ, ठीक। देखिए कुछ इस तरीके से आप लोग को स्मूथ कर लेना है। अब देखिए स्मूथ कर लेने के बाद हम लोग लिप्स कलर करेंगे, फिर लेयर वाले ऑप्शन पाएंगे, फिर प्लस वाला पर टैप करके लेयर लेंगे, फिर कलर वाले ऑप्शन पाएंगे, जो कलर अच्छा लगे लिप्स पर वो कलर ले लीजिएगा, ठीक। फिर आने पर ऊपर आइएगा थोड़ा सा, यहाँ पर ये वाला ब्रश मिल जाएगा, ठीक ना। इस वाले ब्रश को लिप्स पर चलाना है कुछ इस तरीके से, लिप्स पर चला लेंगे कुछ इस तरीके से, हम लोग अपने लिप्स पर चलाना है। इसका फिर ब्लेंडिंग मोड हम लोग चेंज करेंगे सॉफ्ट लाइट, फिर इसका ऑपेसिटी हम लोग कम करेंगे कुछ इस तरीके से। इतना होने के बाद यहाँ से फोटो को हम लोग डन करके सेव करेंगे और उसका बैकग्राउंड कटआउट करेंगे। हम लोग देखें इस वाले बैकग्राउंड को पिक्सआर्ट एप्लीकेशन अंदर लेके आ चुके हैं ना। आप लोग के पास जो भी इससे खतरनाक से खतरनाक बैकग्राउंड होगा आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक ना। अगर चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आप लोगों को हेयर एडिटिंग इसी चैनल पर मिलेगा, ठीक ना। अब देखिए यहाँ से जो हम लोग फोटो को कटआउट किए थे बस इसी एड फोटो में उसी वाले फोटो को ऐड करना है।
अब देखिए ऐड करने के बाद अच्छे से एडजस्ट कर लेना थोड़ा कुछ इस तरीके से। इतना देर बाद जैसे हम लोग डन करेंगे, डन करने के बाद हम लोग चलेंगे ड्रा टूल वाला ऑप्शन पर। ड्रा वाला ऑप्शन पर आने के बाद फिर आप लोग देखिए यहाँ पर आना है, कहाँ पर आना है, इस वाले ऑप्शन पर आना है, ये वाला ब्रश पर, ठीक है। तो इस वाले ब्रश पर आने के बाद इसका साइज हम लोग बड़ा करेंगे, साइज कुछ इस तरीके से बड़ा रहेगा। फिर आएंगे हम लोग कलर वाला ऑप्शन पर, कलर वाला ऑप्शन पर आने के बाद फिर आप लोग आना है इस वाले ऑप्शन पर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा, ठीक ना। देखिए इस वाले ऑप्शन पर आने के बाद आप लोग को पिंक कलर लेना है, ठीक ना, और कुछ इस तरीके से चला लेना है। चलाने के बाद इस वाले लेयर को ट्रांसफॉर्म करना है और जूम करके कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर लेना ताकि एकदम रियल लगे, ठीक है। यहाँ से हम लोग फोटो को डन करते हैं और डन करने के बाद हम लोग इस वाले फोटो को लेकर चलेंगे और थोड़ी इसके जो एप्लीकेशन के अंदर यहाँ से सेव कर लेते हैं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। आपका भाई मिस्टर फोटो डिजाइनर का चैनल है, ठीक ना। बिंदास है, रेडी सीखिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए और स्केच बुक एप्लीकेशन के अंदर आ जाने बाद हम थोड़ा सा ब्रश चलाएंगे फोटो, ठीक ना, हेयर पर थोड़ा सा ब्रश चला के अच्छे से डिजाइन करेंगे। तो ये वाला ब्रश लेना है, ठीक ना। इस वाले ब्रश का सेटिंग कुछ इस तरीके से रहेगा, ठीक। इसको चलाना कुछ इस तरीके से ताकि हेयर में टेक्सचर थोड़ा सा अच्छे से बन जाए और खतरनाक एडिटिंग हो, ठीक ना। आपका भाई हेयर एडिटिंग का एक एक तरीका एकदम परफेक्ट तरीके से बताएगा, आपका बस सपोर्ट रहना चाहिए, ठीक ना। देखिए कुछ इस तरीके से पहले हेयर में ब्रश चला लीजिएगा, ठीक ना, ताकि टेक्सचर में जब टेक्सचर बैठे तो कोई दिक्कत ना आए, ठीक ना। देखिए कुछ इस तरीके से इतना होने के बाद अब देखिए आना हम लोग को नीचे, नीचे आना है कहाँ पर, डिजाइनर, डिजाइनर वहाँ जाना हुआ। देखिए आप लोग को ये वाला ब्रश लेना है, ठीक ना। तो ये वाला ब्रश लेने के बाद इस वाले ब्रश को इस तरह से ब्लैक में कर लेंगे, ब्लैक कलर ले लेंगे और कुछ इस तरीके से हम भोकाल टेक्स से लगाए दें तो वही तरीके से एडिटिंग करेंगे, ठीक ना। तो हम लोग मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक लीजिए इंजय पर। चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा ताकि आप लोग खतरनाक से खतरनाक हेयर एडिटिंग से एकदम तबाही मचा सके। चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा।